चचेरे भाई की बारात में आए दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत। रंगरा के चापर ढाला के समीप एनएच 31 पर अज्ञात अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से हुई मौत। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के एनएच 31 पर चापर ढाला के समीप रविवार को देर शाम बारात आए दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। दोनों युवकों की पहचान पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के ओझा कुप्पा निवासी 15 वर्षीय चंदन कुमार एवं 26 वर्षीय मोनू कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक के चचेरे भाई पिंटू कुमार की शादी रंगरा ओपी के सधुआ चापर गांव में होनी थी। दोनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिंटू की शादी में बारात आ रहे थे। देर रात सभी बारात सधुआ चापर गांव पहुंच गए थे। रंगरा के चापर ढाला के पास पहुंचने पर एक अज्ञात अनियंत्रित ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मोनू कुमार की शादी 3 वर्ष पहले हुई थी, उसे एक पुत्री भी है, जबकि चंदन कुमार की शादी अभी तक नहीं हुई है। दुर्घटना में दो युवक की मौत के बाद परिजन गहरे सदमे में है। इधर मृतकों के चचेरे भाई की शादी तो हो गई, लेकिन जश्न का माहौल शोक में बदल गया है। खबर 30 सेकंड के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। वाणी विवाह भवन 0 माइल NH 31 नवगछिया। शादी विवाह सालगिरह रिंग सेरेमनी जन्मदिन सहित किसी भी प्रकार के पार्टी फंक्शन एवं मीटिंग के लिए जरूर पधारें। 5300 वर्ग मीटर का हॉल ताकि आप अपने परिवार के साथ बैठकर ले आनंद। ग्लास मिरर वॉल ताकि अंदर से ले बाहर की खूबसूरती का नजारा। पूर्णतया वातानुकूलित सभी आधुनिक सुविधाओं के साथ शिवानी मैरिज हॉल। संपर्क सूत्र 9931092632 9534316464 8406949533 नवगछिया का सबसे सस्ता सबसे अच्छा विवाह भवन। सर्दियाँ इलाज माला पहनते हैं गैस्ट्रिक ब्लड प्रेशर गठिया पाइल्स सहित सैकड़ों बीमारी से पाए निजात। होगा सफल इलाज नहीं तो पैसे वापस। मात्र 72 घंटे में असर शुरू। कीमत मात्र 2100 रुपए। फोन कर अभी ऑर्डर करें, घर बैठे प्राप्त करें। संपर्क सूत्र 9031560165 9431884830। शराब के नशे में एक गिरफ्तार। रंगरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर थाना क्षेत्र के झल्लू दास टोला निवासी तीरो मंडल के पुत्र राजकुमार मंडल को गिरफ्तार कर लिया है। थानाध्यक्ष माताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, जबकि इस बाबत रंगरा थाने में एक प्राथमिकी भी दर्ज कर ली गई है। चचेरे भाई की बारात में आए दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत। रंगरा के चापर ढाला के समीप एनएच 31 पर अज्ञात अनियंत्रित ट्रक के चपेट में आने से हुई मौत। रंगरा ओपी थाना क्षेत्र के एनएच 31 पर चापर ढाला के समीप रविवार को देर शाम बारात आए दो युवकों की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है। दोनों युवकों की पहचान पूर्णिया जिले के रुपौली थाना क्षेत्र के ओझा कुप्पा निवासी 15 वर्षीय चंदन कुमार एवं 26 वर्षीय मोनू कुमार के रूप में की गई है। जानकारी के अनुसार मृतक के चचेरे भाई पिंटू कुमार की शादी रंगरा ओपी के सधुआ चापर गांव में होनी थी। दोनों युवक एक ही मोटरसाइकिल पर सवार होकर पिंटू की शादी में बारात आ रहे थे। देर रात सभी बारात सधुआ चापर गांव पहुंच गए थे। रंगरा के चापर ढाला के पास पहुंचने पर एक अज्ञात अनियंत्रित ट्रक ने उसकी मोटरसाइकिल में धक्का मार दिया, जिससे मौके पर ही दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि मोनू कुमार की शादी 3 वर्ष पहले हुई थी, उसे एक पुत्री भी है, जबकि चंदन कुमार की शादी अभी तक नहीं हुई है। दुर्घटना में दो युवक की मौत के बाद परिजन गहरे सदमे में है। इधर मृतकों के चचेरे भाई की शादी तो हो गई, लेकिन जश्न का माहौल शोक में बदल गया है। रंगरा पुलिस ने मास्क नहीं पहने कुल 40 लोगों से वसूल किया 2000 रुपये जुर्माना। रंगरा पुलिस ने थाना क्षेत्र के विभिन्न जगहों पर सघनता पूर्वक मास्क जांच अभियान चलाया है। थानाध्यक्ष महताब खान ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने जांच अभियान में मास्क नहीं पहने कुल 40 लोगों से 2000 रुपये वसूल किया है। थानाध्यक्ष ने जानकारी देते हुए कहा कि शुक्रवार को रंगरा चौक, कुमादपुर चौक, मंदरौनी चौक, मुरली चौक और भवानीपुर टावर चौक पर मास्क जांच अभियान चलाया गया था।
आज की खबर में बस इतना ही। धन्यवाद। लगातार अपने क्षेत्र की खबर जानने हैं तो जीएस न्यूज के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें और वीडियो को शेयर कर कमेंट जरूर करें।